दोस्तों ये देखिए आपका एक नया कॉम्प्लेक्स यहाँ तैयार हो रहा है। ये आपका बद्रीनाथ मंदिर के ठीक जाने से पहले सर्कुलर शेप बना के रखा हुआ है। दोस्तों निकल पड़ा हूँ अभी, ये देख सकते हो आपका बद्रीनाथ धाम के चारों ओर का नज़ारे। और अभी जाने वाले हम लोग नारायण देव को पूजा करने, अभी बद्रीनाथ मंदिर जाने वाले हैं। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल पड़ा हूँ अभी, थोड़ा सा वहाँ पर जाके आज पूजा वगैरह करेंगे। आप देख सकते हो चारों ओर पहाड़ी और पहाड़ी, खूब सुंदर दिखे, बर्फ भी दिख रहा है। आज 8 तारीख है सितंबर महीने का, मैं सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ, ठंड काफ़ी है यहाँ पे दोस्त। एक कहावत है दोस्तों यहाँ पर, बहुत सब कोई मानता है, जो ये है कि जो आए बद्री वो ना आए उद्री, मतलब कि आप एक बार बद्री आओ तो और कुक में और किसी का जन्म नहीं लोगे कभी इस दुनिया में। इसीलिए ये कहावत है कि जो आए बद्री वो ना आए उद्री। घर में कौन सा लेके जाएंगे तो आधा चलेगा आधा घर के लिए वापस यही मिलेगा, ये पुजारी दे देगा, ये वहाँ चलेगा। 150 वाला में क्या क्या है? 150 वाला में ये वाला डब्बा है, 200 वाला में ये डब्बा है, बाकी सब में है माला सपने है।
इसमें क्या आधा चढ़ेगा आधा घर के लिए वापस मिलेगा प्रसादी, आधा चढ़ेगा आधा घर के लिए जाएगी। और ये आपका तो कोई नहीं सिर्फ रावल जी करते तो खाली बाहर तुलसी वगैरह है ना मंडी पे चढ़ाएंगे। हाँ जी, चुहा के घर के लिए वापस मिलता है। रावल जी जाते तीन टाइम, एक सुबह एक शाम एक दिन में, तीन टाइम भोग चढ़ाने के लिए। बाकी और कोई टच नहीं करते, सिर्फ रावल जी करते हैं, जो मीन पुजारी है। बाकी और दर्शन करते हैं, गुंडी में प्रसाद चढ़ेगा आधा घर के लिए वापस मिलेगा। ये है भैया, ये माला भी आ जाएगा, माला भी हमको दे देगा जी भैया। माला क्या करना है फिर? वहाँ पे टच कर देंगे कुंडी में, वहाँ से वापस मिल जाएगा। ऐसे प्रसाद आधा वहाँ रखेंगे, वही कर देंगे। हाँ वहाँ पंडित जी है, वही कर देंगे। दोस्तों ये देखिए सुबह सुबह अभी लगभग अभी आपका 10 बजने वाला है दोस्तों। 10 बजे ये देखिए हम लोग आ पहुँचे हैं बद्रीनाथ के पास। नदी है यहाँ पर देखिए अलकनंदा, और ये जो मंदिर का हाइट है ये हाइट आपका 3110 मीटर समुद्री तट से ऊपर है। ये काफ़ी ऊंचाई पर ये भी है, बट ये जो है आपका केदारनाथ से थोड़ा हाइट इनका थोड़ा सा नीचे है। और ये काफ़ी मैंने इजीली अप्रोचेबल है, आप व्हीकल आपका सोनप्रयाग से हो चाहे आप ऋषिकेश हो हरिद्वार हो, वहाँ से आप यहाँ आसानी से आप पहुँच सकते हो। तो ये है हमारा चार धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम, आपको पता ही है। चार मेन जो धाम है हमारा, एक है आपका पुरी जगन्नाथ धाम, एक हो गया आपका रामेश्वर धाम, और आपका द्वारका, और ये हमारा बद्रीनाथ धाम, ये चौथा। ये चार धाम मेन धाम है। और उत्तराखंड में आपका ये छोटा चार धाम के नाम से भी यहाँ पे प्रचलित है। ये आपका बद्रीनाथ हो, आपका केदारनाथ बद्रीनाथ, फिर आपका यमुनोत्री गंगोत्री, ये आपका छोटा चार धाम भी माना जाता है। आप ये भी आप कंप्लीट कर सकते हो जब भी आप ये हो जाए आपका समय निकाल के इस जीवन काल में, ये तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए दोस्तों, और भी बद्रीनाथ से जुड़े हुए कुछ बहुत सारे कहानियां हैं जो आपको मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ, बने रहेगा मेरे चैनल पे। और अभी हम फिलहाल तो कुछ सामान पूजा सामग्री वगैरह यहाँ से ले रहे हैं। तो यहाँ से आपका सारा सामान मिल जाता है नदी के इस पार। चलिए पूजा करने के बाद आपसे मिलते हैं। धन्यवाद भैया। तुलसी माला प्रसाद लेके जाओ। बंद है ये है आपका तप्त कुंड। अच्छा
ये तब कुंड है हमारे आदमी अरे लगा जाएगा ना लाइन में रखते रहने से हो जाएगा लेते आने के बाद लेंगे आने के बाद लेंगे कितने करके है 10 का ये ठीक ना आके लेते हैं अब यहीं रहेंगे तो आके लेंगे आके लेंगे एक 10 रुपया दे दिए ओ भगत जी 10 के नोट है एक रुपया बांट लेके 10 आते हैं मेरा देखो 500 को जन जावे 1 रुपया 3 एक 10 का नोट है 500 देखिए दोस्तों कितना श्रद्धालु आए हुए हैं देखिए आज केदारनाथ से कमी है अरे रुक लो नहीं बस है ये कहाँ गया हमारा तिलक कट लेते पहले देखिए दोस्तों मैंने ये पूजा के लिए सामग्री ले ली है ये हमारा दीप ज्योति भी ले लिया है सामान पूजा का सामान दिखा रहे हैं अभी हम लोग लाइन में भी जाने वाले बट हमारे पार्टनर दीपन को ढूंढ के नहीं मिला फिर इस दीपन दीपन कहाँ चले गए यार जल्दी भगवान के दर्शन में तो आराम कर लो जय बद्री विशाल की खाली पैकेट घेतलं आता मिक्स करायचं आहे
बच गए बच गए। अरे चलो साइड में जगह दो, चलो घंटा चेंज करा यार माइटी। पंडित जी हमारे कुछ इस मंदिर के विषय बताने वाले हैं, थोड़ा सा शेयर करेंगे हमें जो बद्रीनाथ मंदिर के विषय में थोड़ा सा। पंडित जी थोड़ा सा, बद्री विशाल जी का मंदिर है, सतयुग का धाम है। बद्री कहते हैं लक्ष्मी के लिए और नाथ कहते हैं नारायण के लिए। जी जी, सतयुग में भगवान नारायण यहाँ पर तपस्या करने के लिए, जगत कल्याण के लिए इस धरती में इन्होंने सर्वप्रथम सतयुग में अपने इसी धाम की स्थापना करी। भगवान यहाँ पर निर्वाण अवस्था में रहते लोग कल्याण के लिए, तो लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी देखा कि मेरे स्वामी जगत कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। नगर अवस्था में यहाँ की शीत, यहाँ की ठंड, भगवान सहरे थे, तप का अर्थ ही कष्ट है। इसलिए लक्ष्मी जी भगवान के ऊपर से वेर का वृक्ष बन गई और वेर को संस्कृत में बद्री कहते हैं, इसलिए लक्ष्मी बद्री और नाथ भगवान विष्णु। ये भगवान बद्रीनारायण बद्रीनाथ जी का मंदिर है और सतयुग का धाम है ये। भगवान ने सतयुग में बद्रीनाथ उत्तर दिशा में है स्थापना करी बद्रीनाथ जी की, त्रेता में रामेश्वरम, दक्षिण में द्वापर में द्वारिका और कलिकाल के प्रारंभ में जगन्नाथपुरी की पूर्व में स्थापना हुई। ये एरिया पहले शिव जी का स्थान कहा जाता, भगवान नारायण बाल दुखता है यहाँ जी, और भगवान नारायण ने अपनी बाल लीला का दर्शन किया, भगवान शिव और माँ पार्वती को वात्सल्य जागृत हुआ और भगवान को अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान शंकर जानते थे कि नारायण की लीला है, अपनी कुटिया में रख करके अपने आप प्रभात में स्नान के लिए, तो भगवान तपस्या में विराजमान थे। सामने कुछ आगे बढ़ करके लीला ढूंगी करके वहाँ पर स्थान है जहाँ पर भगवान ने अपनी लीला करी थी, और उसके बाद भगवान बद्री नारायण यहाँ पर विराजमान हो गए। स्वयं भगवान भोलेनाथ केदारनाथ जी लगे, तब से यहाँ आदि केदार है नीचे, आदि माने जो पहले केदार है, केदारनाथ जो नहीं भी जा पाते हैं कभी यदा कदा, तो उनको आदि केदार के दर्शन से वह फल प्राप्त हो जाता है, हो जाता है। लेकिन भगवान क्रम तो ये है कि गंगोत्री यमुनोत्री केदार दर्शन करके भगवान के चरणों में बद्रीनाथ में आना चाहिए। अच्छा, और एक प्रश्न है, ये आपका जो जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है वहाँ का जो ये सुनने को मिला है हमें, जो एक हाथ उसका धीरे धीरे फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब नहीं मान्यता है। भगवान नरसिंह अपने एक ही स्वरूप है, वो अपने आपका नर नारायण पर्वत जो है, ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली लोगों की किम बदन दिया है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो भगवान का भूवैकुंठ धाम है जी जी जी, कभी अपना आप में ये तो अनादि अनादि काल से था और सदैव रहेगा जी, इसका पतन कभी नहीं होगा, ये तो स्वयं सिद्ध स्थान है भूवैकुंठ, ये कोई किसी का कोई चक्कर नहीं इसमें। ठीक, भगवान ने उद्धव जी को कहा कि ये नित्य शाश्वत धाम है भगवान का, नित्य शाश्वत, इसलिए ये कभी था और सदैव रहेगा, इसका कभी पतन नहीं है। और यहाँ पे हमारे दर्शकों के द्वारा मैंने कभी यहाँ पे आके पूजा देना चाहे तो मैंने आप यहाँ पे हमेशा ही रहते हैं क्या पंडित जी? भगवान के आदि व्यवस्था है मंदिर की, सभी यहाँ पे हो रखी है सब कुछ। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आए हैं आज बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने। कुछ जानकारी आपको शेयर करना चाहूँगा, ये बद्रीनाथ मंदिर जो है एक्चुअली ये मंदिर बाद में बना है, ये पहले शिव जी का ही स्थान हुआ करता था। मान्यता ये है कि जब एक बार नारायण जी का विष्णु जी का दर्शन करने गए थे तो वहाँ पर जाकर देखते शेषनाग के ऊपर बैठे हुए नारायण जी को आपका लक्ष्मी जी सेवा करते हुए, तब नारायण जी को बोध हुआ कि ये चीज़ नारायण देव को विष्णु देवता को ये उन्हें जागृत करे कि ये आप इस संसार के लिए क्या आप ये रखोगे, एक जो उदाहरण रखते हैं जो क्या रखोगे, आपके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। तब क्या किए विष्णु जी, तब अपने तप के लिए आपका ये के लिए स्थान ढूंढने लगे, निवास ढूंढने लगे। तब ढूंढते तब विष्णु जी को ये स्थान पसंद आया, मगर विष्णु जी को ये भी साक्षात ज्ञान था कि ये जो स्थान है ये शिव जी का स्थान है,
फिर भी वो सीधे जाके उनको बोलना सही नहीं सोचा और उन्होंने क्या किया कि बालक रूप का धारण कर लिए उन्होंने, और करने के बाद वो वहाँ पर रोने लगे। जब शिव जी और पार्वती जी आपका भ्रमण करके वो लौटे, लौट के आने के बाद उनके निवास के द्वार के पास देखे एक बालक रो रहा है। उनको देख, वो बालक को देख के आपका पार्वती जी का आपका ममता जाग उठी और उनको लेकर वो सुलाई अपने घर में। सुलाने के बाद शिव जी और पार्वती जी स्नान करने के लिए आपका कुंड चले गए थे। जब आने के बाद, जब स्नान करने के बाद वो लौटे, आके देखे कि उनका दरवाज़ा का कपाट बंद हुआ है, तो ये चीज़ पार्वती जी शिव जी को बताते हैं कि जो ये कैसा हो सकता है, वो किसने किया। शिव जी ने बताया जो वो और कोई नहीं साक्षात ये नारायण जी है, और उनको ये पसंद आ गया है जगह, तो वो क्या किए कि वो जगह को बोले कि उनको दे दिया जाए, और वो जगह छोड़ के वो क्या किए कि ये बद्रीनाथ को छोड़ के वो चले जाते हैं आपका केदारनाथ। और तब से ही शिव जी आपका केदारनाथ में रहने लगे, और उसी दिन से ये बद्रीनाथ आपका विष्णु जी का स्थान बन गया। और ये आप भी सोच रहे होंगे इस जगह का नाम आपका बद्रीनाथ क्यों पड़ा। अब ये है कि विष्णु देव ने क्या किया था, विष्णु देवता ने आपका यहाँ बैठकर तप करने का आरंभ किया, तो कुछ दिनों बाद बहुत जोरों का आपका हिमपात हुआ। हिमपात को देख आपका लक्ष्मी देवी को ये चीज़ पसंद नहीं आया कि उनका आपका पति कष्ट झेल रहा है, तो ये देखकर उन्होंने क्या किया, अपने आप को बद्री जो एक यहाँ का एक पेड़ ही है, तो वो बद्री पेड़ के रूप में धारण करके वो हिम को अपने ऊपर संभाल लिया। इसी दौरान ये जब विष्णु जी का तप संपन्न हो जाता है, जब वो देखते हैं सामने कि जो एक बद्री पेड़ उनको रक्षा किए जा रहा है, ये सारा बर्फ अपने ऊपर समा लेता है, तो ये उसके बाद जब विष्णु जी को पता चलता है कि ये साक्षात और कोई नहीं, ये लक्ष्मी जी ही है, तो विष्णु जी बोलते हैं कि जो मैंने तो तप किया है देवी की, मगर आपने तो उससे ज़्यादा तप आपने झेला है, आपने किया है, इतना कष्ट कठोर तर्पण आपने भी किया है, तो इसीलिए आज से इस जगह का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा और इसे आपका बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बद्री जो बल्कि एक बेर ही है, यहाँ का एक तरह का बेर का पेड़ है, तो इसीलिए इस जगह का नाम आपका बद्रीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये बद्रीनाथ जो मंदिर है, ये एक आपका बौद्ध धर्म का एक प्राचीन मंदिर था पहले। ये 8वीं सदी में जाकर ये आपका, जब आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पर आए थे, आने के बाद उन्होंने ये यहाँ पर जो मूर्ति पहले हुआ करता था, वो आदि गुरु जी वो यहाँ पर वापस स्थापना करवाते हैं। ये आपका 8वीं सदी में जाकर ये आपका आदि गुरु ने ये हमें आपका वापस ये आपका मूर्ति को स्थापना करवाते हैं, और आज हम जहाँ आते हैं उनके ही बहुत ही ऋणी हैं कि आज ये चीज़ जो खो जा रहा था, ये आज हमारा हिंदुइज्म का जो आज जो बढ़ावा दिया है, आदि गुरु जी का बहुत ही योगदान है इसमें। तो ये जो मंदिर है आपका 3110 मीटर समुद्र तट के ऊपरी पहाड़ी पर ये स्थित है, और इसके ये मंदिर जो है आपका अलकानंदा नदी के तट पर ही स्थित है। इसके बाजू में एक है, आप देख पाओगे उस कोने में एक आपका तप कुंड है, उस साइड में आप देखोगे तो तप कुंड है, वहाँ पर गर्म पानी वो उत्पन्न होता है, और वहाँ पर सब जो श्रद्धालु आके स्नान वगैरह वहाँ करके फिर मंदिर का आपका दर्शन करते हैं। तो आज दिन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आज जस्ट आपका जन्माष्टमी का दिन का जस्ट अगला दिन ही है, आज 8 सितंबर 2023 है, और इसके बाद ये भी एक मान्यता यहाँ पर है कि ये जो एक मंदिर है, ये एक काल में जाकर विलुप्त हो जाएगा। ये यहाँ का लोकल बंदे यहाँ पर यही मानते हैं कि जब नर और नारायण पर्वत, ये जो पर्वत जब एक हो जाएंगे, तब ये मंदिर विलुप्त हो जाएगा, ये लोकल लोग मानते हैं दोस्तों। ऐसा भी मान्यता है कि आपका जोशीमठ में स्थित
जो ये आपका नरसिंह मंदिर है उसका एक जो हाथ है वो धीरे धीरे आपका छोटी होते जा रही है और धीरे धीरे वो विलुप्त हो जा रहा है। जिस दिन वो विलुप्त हो जाएगा तो उस दिन ये बद्रीनाथ धाम भी धीरे धीरे वो दोनों पहाड़ भी मिल जाएंगे और ये मंदिर भी विलुप्त हो जाएगा। तब एक कोई एक नया आपका चार धाम निर्माण वापस नया से होगा। तब तक के लिए बोलिए जय बद्री विशाल की। मिलते हैं दोस्तों अगले, हम लोग यहाँ से आपका जाएंगे आपका आपका जो लास्ट विलेज, जो आजकल तो हमारा पीएम साहब ने बोल दिया है वो लास्ट नहीं बल्कि फास्ट विलेज ही माना जाए, क्योंकि वो चाइना बॉर्डर से बहुत ही घिसा हुआ है, बहुत ही नज़दीक है और वही सबसे प्रथम विलेज है जो बल्कि माना विलेज के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग बहुत ही जल्द वहाँ जाने वाले हैं दोस्तों, तब तक के लिए तो दोस्तों ये था आपका उत्तराखंड का 23वां ब्लॉग जिसमें मैंने बद्रीनाथ धाम से जुड़े सारे कहानियां बताया है, और आने वाले ब्लॉग में मैं भारत के सबसे प्रथम गांव माणा गांव को दिखाने वाला हूँ जहां से पंच पांडव स्वर्ग मार्ग आरंभ किए थे। तो बने रहेगा मेरे YouTube चैनल में दोस्तों, मेरा YouTube चैनल इंडस भारत एक्सप्लोरर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन पर जाकर अपना राय जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों इसी के साथ लेते हैं विदाई, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।